तो एक कहानी सुनोगे? जैसे हर कहानी में एक लीड कैरेक्टर होता है, वैसे हमारी कहानी में भी एक लीड कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है, गुलामी का। तो कुछ 70-74 साल पहले इसको आज़ादी मिली है। हमारे कैरेक्टर ने आज़ादी के लिए बहुत फाइट मारा था, बंदूकें चलाई थी, तलवारें उठा ली थी और बगावत की थी और अनशन पर भी बैठ गया था, और फाइनली उसको आज़ादी मिल गई। अब आते हैं प्रेजेंट डे पे। हमारा जो कैरेक्टर है वो एक रात में मुड्डा लगाकर छत पे बैठा हुआ है, तारों के नीचे कुछ सोच रहा है, गहन चिंतन में है, थोड़ा सा उदास भी। अच्छा, उदास क्यों है? उसको कुछ बातें याद आ रही हैं। जैसे एक दिन वो सड़क के किनारे निकल रहा था और सड़क के दूसरी ओर एक बच्चा, कुछ 6 महीने का होगा, बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ सीमेंट उठा के इमारत की तरफ जा रही थी। हमारे कैरेक्टर ने उसको गोदी में लेके चुप कराने की जगह उसको नज़रअंदाज करके अपनी मंजिल पे आगे बढ़ना ज़रूरी समझा। और फिर एक बार एक कारीगर भरी दोपहरी में उसके घर पे काम कर रहा था। तो दोपहरी में बहुत धूप थी, तो कारीगर आया और उसने पानी की मांग कर दी। हमारे कैरेक्टर ने क्या किया, किचन में गया, सारे महंगे अच्छे सुंदर ग्लास साइड में हटाकर वो कोने में थोड़ा टूटा हुआ ग्लास होता है ना, उसमें उसको पानी भिजवा दिया। अब जो कैरेक्टर के घर पे ताई आती है, उन्हें घर में बड़े मंदिर और किचन में जाने के अलाउंस नहीं है, और कभी जब बैठ के गप्पे मारते हैं तो ताई किंग साइज बिस्तर और अच्छी सुंदर सी चेयर छोड़कर नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है, और हमारा कैरेक्टर कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। अब इतनी सारी बातें छोटी छोटी सोचकर वो थोड़ा उदास है, क्योंकि शायद भेदभाव की वजह से। वो सोच रहा है कि कुछ चीज़ें कितनी छोटी होती हैं, कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देती, पर असलियत में कितनी बड़ी होती हैं। जैसे कि तारे, जब तक ध्यान से नहीं देखो तब तक दिखाई भी नहीं देते, और जब थोड़े से दिखाई देते हैं तो लगता है कितने छोटे हैं, पर असलियत में कितने बड़े होते हैं। तो फिर हमारा कैरेक्टर जो दुखी बैठा हुआ है, उसने सबकी तरह थोड़ा जल्दी और थोड़ा कम सोचा, और सोचते ही सल्यूशन की तरफ दौड़ लगाई कि भेदभाव को कैसे ख़त्म करें। आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी जल्दी भाग के गया था सल्यूशन की तरफ उतनी जल्दी वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये है कि जितना भी भेदभाव है, भले वो जाति के आधार पे हो, लिंग, रिलीजन या कलर, किसी के भी आधार पे हो, उसका जो रूट कॉज है वो तो पैसा ही है, और पैसे की प्रॉब्लम तो भला पैसा ही सॉल्व कर सकता है। हमारा कैरेक्टर इतना अमीर नहीं है, ना उसमें इतना दम है कि इतनी सारी पैसे की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके। तो फिर वो बैठा, थोड़ा उदास हुआ, हाथ ऊपर करे और बोला, हमसे नहीं हो पाएगा, कंबल डाला और सो गया। दी एंड। ओ, मैंने अपने अपने कैरेक्टर का नाम बताया क्या? इस कैरेक्टर का नाम है समाज, और प्यार से इसको स्कूल में सोसाइटी बोलते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी? नहीं, क्यों? एंडिंग अच्छी नहीं थी ना? तो कोई बात नहीं, अपनी एंडिंग है, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। तो प्रेजेंटिंग द न्यू एंडिंग। इस बार हमारे कैरेक्टर समाज ने थोड़ा कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा सोचा, और सोचने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी भेदभाव का रूट कॉज कुछ भी हो, पर वो पैसे या दान से सॉल्व नहीं हो सकता, वो सम्मान के सहारे सॉल्व हो सकता है। तो उसने निर्णय लिया कि वो किसी इंसान को जाति, लिंग, कलर, रिलीजन किसी के आधार पे नहीं तोलेगा, इनफैक्ट तोलना ही क्यों है इंसान को। तो वो जो हमारा लीड कैरेक्टर है समाज, सोसाइटी, उसने डिसाइड किया कि वो सबको सम्मान देगा, क्योंकि इंसान को सम्मान मिलने के लिए सिर्फ इंसान होना और इंसानियत दिखाना ज़रूरी है।